जिला में 13 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 नवजात शिशुओं समेत 4 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति से प्राथमिक संपर्क के कारण 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें बड़सर तहसील के गांव समताना की 60 वर्षीय महिला, गांव बिजली की 38 वर्षीय महिला और बड़सर के ही गांव अम्बोटा की 61 वर्षीय महिला, भोरंज के गांव करियाली की 41 वर्षीय और 47 वर्षीय 2 महिलाएं तथा गांव कक्कड़ के 68 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से जाहो पहुंचे तथा संस्थागत संगरोध में रखे गए 20 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोरंज के गांव ककरोट में दिल्ली से आया 59 वर्षीय व्यक्ति और जाहू के निकटवर्ती गांव सुलगवान में पश्चिम बंगाल से आया 19 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है। ये दोनों लोग गृह संगरोध में रखे गए थे। मुंबई से आई कांगो क्षेत्र के गांव थान की 32 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसे भी गृह संगरोध में रखा गया था। सुजानपुर उपमंडल के गांव बजरोल का 42 वर्षीय और 70 वर्षीय महिला तथा सुजानपुर के वार्ड नंबर 8 का 58 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र भोटा में उपचाराधीन 4 लोगों की फॉलो अप रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। ठीक हुए इन 4 लोगों में जिला मंडी के गांव देव गांव का नवजात शिशु, हमीरपुर के गांव बलोखर की 27 वर्षीय महिला और उनका नवजात शिशु और हमीरपुर के गांव सिद्धपुर की 37 वर्षीय महिला शामिल है। फॉलो अप रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेजने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।